कार्यपालिका लेसन है हमारा, उससे रिलेटेड टू वीडियोज में बता चुकी हूँ। हमने उसमें पढ़ा था कि कार्यपालिका का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स को हमने पढ़ा था, फिर मैंने आपको सरकार के तीन अंगों के बारे में बताया था और उनको अलग अलग आर्टिकल में किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं उनको पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इसके कार्य कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य कई लोगों को इसमें भी आ सकता है, फिर अलग से भी आपको पूछ लिया जाता है राजनीतिक कार्य कौन से हैं, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ राजनीतिक कार्य। आज जो नेक्स्ट कार्य हम करेंगे वो करेंगे हम प्रशासकीय कार्य। कौन सा करेंगे? प्रशासकीय कार्य। जो ये प्रशासकीय कार्य हैं मुख्य कार्यपालिका के, एक विद्वान हैं लूथर गुलिक। कौन है लूथर गुलिक? इसने एक वर्ड दिया था पोस्ट कोड। कौन सा वर्ड दिया था? प्रशासकीय कार्यों में लूथर गुलिक एक विद्वान था, इसने पोस्ट कोड वर्ड दिया है। इस पोस्ट कोड को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे, वहीं से आपके सारे के सारे पॉइंट हो जाएंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी इसमें प्रशासकीय कार्य में, तो अभी यहाँ दोबारा फिर से समझ लें उसको, और मैंने क्लियर भी कर दिया था बच्चों का, फिर भी कोई एब्सेंट रहा हो बच्चा उस दिन, तो दोबारा यहाँ फिर से इसको नोट कर लें। पी से क्या होता है? प्लानिंग। पी से क्या होता है? प्लानिंग। ये सारा का सारा मैं राइट कर दूंगी, आप एक बार फिर से यहाँ से समझ लें ताकि आपको साउंड थोड़ी सी क्लियर हो जाए। पी फॉर प्लानिंग, यानी कि हम कोई नियोजन करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं। आप किसी भी काम को शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले उसके बारे में एक प्लान बनाते हो, एक योजना बनाते हो कि आपने काम की स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो वो चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। एक्स वाई जेड आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप एक स्कूल ही बनाने जा रहे हो तो स्कूल में क्या करोगे, आप पहले प्लान करोगे कि मैंने स्कूल बनाना कहाँ है, किस तरह से मैनेज करना है सारे काम को, तो वो सारी की सारी प्लानिंग आपकी सबसे पहले हो जाती है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में प्लानिंग होती है। प्लानिंग, ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन बनाना। इसमें क्या है, हम संगठन बनाते हैं, पहले तो हम कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम उसके विषय में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग करते हैं, उसका एक खाका तैयार करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, धन और समय का उचित निर्धारण करते हैं कि हमने पैसा कितना लगाना है, हमारे पास टाइम कितना है उस चीज़ के लिए, तो वो सारी की सारी प्लानिंग एक बार पहले बना लेते हैं। तो यही क्या है, यही प्लानिंग है, नियोजन है, योजना है, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो प्लानिंग को, ठीक है। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है आवश्यक होता है कि उसी के अनुरूप कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ बनाई जाएँ और उन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए। तो एक संगठन उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
थर्ड स्टेप रहेगा हमारा स्टाफ रूम। तो मैंने सारे पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं। अब मैं इसका अलग अलग मीनिंग आपको बता देती हूँ कि किस तरह से है। तो प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। ओ होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाएंगे हम, किस तरह से नीतियों को लागू करना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड एक संगठन रहेगा। तो उस संगठन में हम करेंगे। फिर है स्टाफिंग। अब आपने जब मैंने आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया था कि हम कोई स्कूल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए योजना बनाई है, प्लानिंग की है हमने, तो हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है, यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति। बिना स्टाफ के तो नहीं स्कूल चल पाएगा। तो इसी तरह से हमें स्टाफिंग की ज़रूरत है। डी फोर होता है ट्रैकिंग। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने लिखवा रखे हैं ना आपको, ये सारे के सारे पॉइंट ही आपके नोट डाउन कर लेना इनको, और यही हेडिंग बनेगी आंसर की। तो यहीं से हेडिंग बनानी है, जैसे कि नियोजन, संगठन बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है निर्देश देना, यानी कि कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि आपको कार्य कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम में हो जाना चाहिए, वो सारा का सारा डायरेक्ट करते हैं उनको। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिंग होता है समन्वय, यानी कि तालमेल, यानी कि जो कर्मचारी जो वहाँ पर चीफ है मेन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि बिना समन्वय के कभी भी कोई कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। आर होता है रिपोर्टिंग। जब आप सारा का सारा कार्य कर चुके हो तो फिर आपने ना रिपोर्ट करनी है उस चीज़ की कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, इस तरह से उससे रिलेटेड जो भी बातें हो सारा का सारा आप रिपोर्ट करोगे। लास्ट में होता है बजट। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमने प्लान किया था, इन सब पर बजट कितना लगा, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो आई होप आपको प्रशासकीय कार्य सारे समझ में आ गए। प्रशासकीय कार्य ये आपने यहीं से इसी के अंदर जो पोस्ट फॉर वर्ड है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि लूथर गुलिक ने कौन सा वर्ड दिया था पोस्ट कोर, उस पोस्ट कोर का क्या मीनिंग है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर है बात? तो वो चीज़ आप करोगे, ठीक है। फिर यहीं से पॉइंट बना दोगे तो ये आपका प्रशासकीय कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के कार्य आपके बताए गए थे, एक राजनीतिक कार्य था और एक प्रशासकीय कार्य था। तो यहीं से बस इतना ही डिफाइन करना है आपको। ठीक है, कल मैंने एक चीज़ और तुम्हें छोटी सी बताई थी कि एक मुख्य कार्यपालिका के क्या गुण होने चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़े से पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर है सारा। अगर किसी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो शेयर करें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो सफल मुख्य कार्यपालिका के गुण, कि क्या क्या गुण एक मुख्य कार्यपालिका में होने चाहिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि अच्छा नेतृत्व होना चाहिए,
कि कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखे, सहयोग करे, उनको संतुष्टि बनाए रखे आदि इस तरह की योग्यताएं एक सफल नेतृत्व में होनी चाहिए। अच्छा वाक्पटुता उसके अंदर होनी चाहिए कि बोलने में चतुर हो, दूसरों को अट्रैक्ट कर सके अपने बोलने से, उनको बता सके, तो इस तरह की एक अच्छे नेतृत्व का गुण उसमें होना चाहिए। यहाँ पर ना एक मार्क ट्वेन था राइटर, उसने एक परिभाषा दी है इसकी डेफिनेशन कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है, शेरों की उस सेना से बेहतर है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप इस तरह से लर्न करोगे, इनको ऐड करोगे अपने उसमें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट लिख देती हूँ मैं, अच्छा नेतृत्व। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब जो मुख्य कार्यपालक का पर्सनैलिटी भी उसकी थी बेस्ट होनी चाहिए, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति सभी को अपने ओर आकर्षित कर देता है। अतः मुख्य कार्यपालिका में श्रेष्ठ बुद्धि वाला होना चाहिए, कौशल यानी कि उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, कार्यों में उसकी रुचि होनी चाहिए लगातार, ये नहीं कि उसने कुछ कार्य किया फिर किया ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। परियोजनों की दृढ़ता यानी कि जो योजना वगैरह बना रहा है वो दृढ़ होनी चाहिए उसकी, कठोर परिश्रम करने वाला होना चाहिए। व्यक्तित्व में क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, अब आप सभी देख सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आपके अंदर हैं कोई गुण या फिर अवगुण हैं, तो हम उनको मेजर कर सकते हैं और हम सबको पता होते हैं अपने गुण और अवगुण। तो यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका के लिए उसकी पर्सनैलिटी बताइए कि उसमें होनी क्या क्या बातें चाहिए, अगर किसी में नहीं है तो वो कर ले इंक्लूड अपने में, कठोर परिश्रम करने वाला होना चाहिए उसको, दृढ़ता भी उसके अंदर होनी चाहिए, कौशल स्किल होनी चाहिए कि जिस काम के लिए उसे लगाया गया है कि उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज है भी है या नहीं, तो इस तरह से उसका एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका निर्णय लेने की अक्षमता। उसके अंदर है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको अगर कोई काम दिया गया उसके प्रति वो निर्णय ही ना ले पाए तो वो उसकी कोई योग्यता नहीं होगी। कई बार की समस्याएं सामने आ जाती हैं तो इन समस्या के समाधान के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो मुख्य प्रशासक के मुँह की तरफ ही देखते हैं, वो सोचते हैं कि जो मुख्य प्रशासक है वही उनकी समस्या का सुलभ करेगा, तो उसके अंदर है ना एक गुण होना चाहिए, कुशल गुण होना चाहिए ये कि वो निर्णय ले सके एक अच्छी तरह से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से सोच समझकर उसके बारे में एक उचित निर्णय उससे मैं ले पाए कि मुझे इस समस्या का समाधान कैसे करना है। क्लियर है पॉइंट। फोर्थ है तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि यानी कि उसके पास अच्छी बुद्धि होनी चाहिए ताकि वो बातों को सोच सके, समझ सके, समस्याओं का जल्दी समाधान कर पाए, ये नहीं कि वो मंद बुद्धि है उसको पता ही नहीं लगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो तीव्र बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक योग्यता। उसके अंदर प्रशासन से रिलेटेड जो भी योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, उसे अपने कार्य का पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए,
कुशलता होनी चाहिए, अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, बिना हिचकिचाहट के वो किसी निर्णय को ले पाए, तो इस तरह की प्रशासनिक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। सिक्स्थ है समस्याओं को हल करने की योग्यता, कि कई प्रकार की समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक समस्याएं, तो इन सब समस्याओं को उसको ना हल करना उनके लिए अति आवश्यक है, तो ये योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। उसे कुछ कानूनी पहलुओं का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से समस्या को सुलझाना है, ये नहीं कि केवल अपने लेवल पर ही सोचे, कुछ एक नीतियाँ, कुछ कानून बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर होना चाहिए कि आपने कैसी समस्याओं का हल करना है। प्रशासनिक दुर्गुणों से मुक्त, प्रशासनिक दुर्गुणों से मुक्त, यानी कि जो उनका कार्यपालक है उसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, दुर्गुण नहीं होना चाहिए कि वो केवल या उसके रिश्तेदार आ रहे हैं तभी उनके ही काम को सॉल्व कर रहा है, उनकी ही समस्याओं को सुन रहा है, उसके लिए सब इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अधिकारी आता है या कोई व्यक्ति उसके पास आता है जिसकी कोई भी समस्या है तो उस समस्या का निपटान वो बिल्कुल उसको इक्वल मानकर चले, ये नहीं कि ये उसकी फैमिली से है या फिर उसका नॉन है कोई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं, आप इनको अच्छा डिफाइन कर सकते हो, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाला होना चाहिए कि ये उसने एक बार निर्णय दे दिया, फिर कुछ व्यक्तियों ने उसको कहा कि नहीं ये तो सही नहीं था निर्णय, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बहकावे में आकर फिर से अपने निर्णय को चेंज करें। जो उसने निर्णय लिया है बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय ले, उस पर अटल रहे, यही मेन प्रॉब्लम है कि कुछ एक मुख्य अधिकारी होते हैं जो दूसरों के उसमें बहकावे में आकर अपने निर्णय से अड़िग हो जाते हैं, तो एक मुख्य कार्यपालक में यह गुण नहीं होना चाहिए। चरित्रवान, उसका जो करैक्टर है ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एक आदर्श के रूप में लोग उसे स्वीकार करें, कुछ आइडल है उनके लिए, क्योंकि हमें अगर कोई लगता है ना कि अच्छा है बिल्कुल बंदा, करैक्टर बढ़िया है, कुछ अच्छी बातें हैं इसकी जिनसे हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, तो हमारे लिए आइडल बन जाते हैं, तो इस तरह से एक मुख्य कार्यपालक को भी किसी के लिए आइडल हो जाना चाहिए। तो एक छोटी सी कहावत लिखी गई है, मुख्य सचिव से लेकर निमन कर्मिक तक प्रत्येक स्तर पर चरित्र का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार हर प्रकार के जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व है, यानी कि चाहे कोई छोटा अधिकारी चाहे कोई बड़ा, सभी का चरित्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से हमने इसके सफल मुख्य कार्यपालिका के गुणों को किया, आपने जितने भी गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए वो सारे के सारे आप मेंशन कर सकते हो इसमें, बस हालांकि आपको डिफाइन करना आ जाए यहाँ पर, तो एक बार आप अच्छे से इनको देख लें। अगर किसी ने नोट करने हैं कुछ एक पॉइंट तो वो वीडियो को स्किप करें, बीच में पॉज करें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो इसमें पढ़ेंगे अब राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, ये कुछ एक अंतर हम उसमें करेंगे। तब तक आप देख लो एक बार इसको, अगर फिर भी किसी को कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप डिस्कशन करें हमारे साथ, ओके। जितना भी आपको काम करवाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि क्लास में पहले भी ये सारा कुछ हो चुका है, दोबारा फिर से आपको रिवाइज करवा रहे हैं, एक इजी लैंग्वेज और भी ज़्यादा यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जिसको अपनी बुक में टिक करना है वो टिक कर लें यहाँ पर, ओके।